आटा सॉफ्ट गूंदना है और आटा राइस भी हो गया है। अब इसके आप 3 या 4 पोर्शंस बना लें, बॉल्स बनाने हैं हमें। लोफ पैन ले लो और उसको आपने ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद सिर्फ बेस में बटर पेपर लगाया और बटर पेपर को भी हल्का सा ग्रीस कर दिया। ठीक है, इस डो की आप बनाएंगे ओवल शेप का, इसको आप बेल लीजिए और फिर इसमें हम स्टफिंग करेंगे। थोड़ा सा ब्रश किया, इसमें हम डालेंगे चीज़, इस पर हम डालेंगे ऑलिव्स, ऑरिगैनो डाल लें, एंड्स को बंद कर लें। परफेक्ट, वैसे तो इजी आता है ना, बहुत आसान है। 180 पे रखूंगी मैं फॉर 35 मिनट्स। रख दिया उसको अवन में? नहीं, अवन में नहीं रखा है, मैंने उसको माइक्रो में डाला है ताकि वो थोड़ी देर राइज हो जाए। जब घर पे आप बनाएंगे तो आपको उसको कम से कम 40-45 मिनट छोड़ना है ताकि वो डबल प्रूफ हो जाए। ऑलिव ब्रेड विद डिपिंग ऑयल, अरसा, मैदा 400 ग्राम, खमीर 2 चाय के चम्मचे, नमक 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, जैतून का तेल 4 खाने के चम्मचे, पानी 300 मिलीलीटर, ब्रेड इम्प्रूवर 1/2 चाय का चम्मच, फिलिंग के लिए अज्जा, चैडर या मोजरेला चीज़ 1 कप, कटे जैतून 1/4 कप, थाइम 1 चाय का चम्मच, जैतून का तेल ड्रिजल के लिए, डिपिंग ऑयल के लिए जैतून का तेल 1/2 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, ओरिगानो 1/2 चाय का चम्मच, ड्राइड बेजल 1/2 चाय का चम्मच, ड्राइड पार्सले 1/2 चाय का चम्मच, पिसा लहसुन 1 चाय का चम्मच, रोजमेरी 1 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच।